मेरे परिवारजनों, सूरजपुर का ये पूरा इलाका खनिजों के लिए, कोयले के लिए जाना जाता है। कांग्रेस की सरकार ने आपके कोयले में भी घोटाला कर दिया, कांग्रेस ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में भी घोटाला किया, खनिज का जो पैसा आपको मिल रहा था वो पैसे भी कांग्रेस ने चुरा लिया। लेकिन भाजपा इस कोयला क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित है। जहां कोयले के भंडार समाप्त तो हो गए, उन खदानों के लिए भाजपा सरकार ने एक योजना बनाई है। कोयला रहित भूमि पर बड़े पैमाने पर पेड़ लगाए जा रहे हैं। सूरजपुर जिले में भी केनापारा को इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां बटगांव में सौर ऊर्जा पार्क पर भी तेजी से काम चल रहा है। इससे यहां रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। 3 दिसंबर को जैसे ही कांग्रेस सरकार जाएगी, वैसे ही यहां विकास की गति और तेज की जाएगी। यहां नए प्रोजेक्ट आएंगे, यहां का औद्योगिक विकास तेज किया जाएगा। भाजपा में सरगुजा संभाग में आधुनिक अस्पतालों के निर्माण पर भी बल दिया जाएगा। तब आपको बीमारी की स्थिति में इलाज के लिए दूर बनारस या रायपुर तक नहीं जाना पड़ेगा।